नमस्कार दोस्तों, एक क्विक न्यूज आप सबके लिए। आपको दिक्कत आ रही होगी जब आप आपकी 3B भरने जा रहे होंगे अप्रैल 2021 की, उसमें आपको दिख रहा होगा कि 2B से अमाउंट नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी 2B अभी तक जनरेट नहीं हुई है। जी हाँ, आपकी 2B जनरेट नहीं हुई है। अब डाउट ये है कि 2B जनरेट नहीं हुई तो क्या 3B भरे या नहीं भरे, तो इसी डाउट के लिए आज एक न्यूज भी फ्लैश हो रही है पोर्टल पे। कहा गया है कि आपकी जो 2B जनरेट होगी अप्रैल 2021 मंथ के लिए, वो जनरेट होने वाली है 29 मई 2021 की। इसका साफ साफ रीजन ये है दोस्तों कि GSTR1 और IFF अप्रैल 2021 के लिए उसकी ड्यू डेट को बढ़ा के कर दिया गया था 26 मई और 28 मई रेस्पेक्टिवली। तो जब तक 28 मई नहीं चली जाती है तब तक आपकी अप्रैल मंथ की 2B जनरेट नहीं होने वाली है, तो आपकी 2B जनरेट होगी 29 मई को। अब बात आती है कि 3B कैसे फाइल करें अप्रैल की जब तक 2B जनरेट नहीं होती है। तो अगर आप 2B से पहले फाइल करने जा रहे हो दोस्तों, तो आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आपका अमाउंट डाल सकते हो। जी हाँ, 2B में अमाउंट अभी आएगा ही नहीं 29 मई तक, तो आपका जो भी बुक्स के हिसाब से इनपुट बन रहा है सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे, आप वो इनपुट ले सकते हो। बात रही अप्रैल की 2B जनरेट होने के बाद क्या होगा, तो दोस्तों मई मंथ में आप कम्युनिटिव बेसिस पे इनपुट ले सकते हो। रूल 36 सब रूल को फॉलो जो आपको करना है, मई 2021 की जब 3B भरोगे आप, तब आप टोटल कर लेना अप्रैल और 3B के 2B, रूल 36 सब रूल 4 लगा लेना। अप्रैल में जो आपने अमाउंट ले लिया है उसको देखते हुए मई में आप डिफरेंशियल अमाउंट आपका क्लेम कर सकते हो। तो 2B अभी जनरेट नहीं होगी 29 मई से पहले, 29 मई को ही आपकी 2B जनरेट होगी। 3B आप बिना 2B के भी अप्रैल मंथ की भर सकते हो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसका आपको इंतजार था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।